हम लोग आपका जो टॉपिक पढ़ रहे थे फोर्थ शीट वाला, फोर्थ शीट में हमने नॉर्मल देखा था कि हमें 3-4 प्रकार की कॉस्ट फाइंड करनी है, ऐसे था ना? टाइम कॉस्ट फाइंड कर रहे थे, फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड कर रहे थे सेकंड टॉपिक में, है मैं समझा रहा हूँ आपको। थर्ड फिर हम फाइंड कर रहे थे प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लास्ट में फाइंड कर रहे थे कॉस्ट ऑफ सेल। सभी खर्चे जो अलग अलग लेवल में हमने फाइंड कर लिए, देखूंगा कि ऐसे कॉस्ट शीट हमारी बनी है लास्ट वाले सेमेस्टर को, क्लास में हमने देख लिया था कि जो जो खर्चे इसमें आएंगे वो ऐड करके ऐसे कॉस्ट बन जाएगी। लास्ट में हमें क्वेश्चन ऐसे बोल दिया जाएगा, कई बार तो आपको मैंने बोला था कि सेल की कॉस्ट, सेल की वैल्यू पहले बताओ, अगर तो सेल की वैल्यू बताई होगी तो लास्ट में कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो प्रॉफिट होता है। कई बार आपको बोल दिया जाता है कि फाइंड द 20% प्रॉफिट ऑन सेल, मतलब कि सेल की वैल्यू का 20%, हमें सेल की वैल्यू नहीं बताई जाती तो उस टाइम पे प्रॉफिट कैसे फाइंड करें। एक तो पॉइंट क्लियर हो गया ना, सेल की वैल्यू दी, मान लो एग्जाम्पल हो गया अभी टोटल कॉस्ट 10,000 रुपये, या फिर सेल की वैल्यू जो है 12,000, बीच में प्रॉफिट आ गया 12,000 में से 10,000 ले लो तो सही हो गया। कई बार कंडीशन आ जाती है टोटल कॉस्ट 10,000, फाइंड प्रॉफिट 20% सेल की वैल्यू नहीं बताई, हमें खर्चे दिए गए, हमने खर्चे डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग में डाल के या फिर डिफरेंट डिफरेंट हेड में डाल के कॉस्ट शीट रेडी कर ली। अभी प्रॉफिट 20% कहाँ से निकाले भाई, सेल सेल की वैल्यू बताओगे तभी तो निकालेंगे। ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, हमें बोल दिया गया कि टोटल कॉस्ट में यहाँ पे लिख लिया, मेरे पास टोटल कॉस्ट नहीं लिख दस यार एग्जाम्पल ले लो, प्रॉफिट 20% ऑन सेल। अभी कैसे करना है, हम ऐसी कंडीशन में मान के चलते थे लेट सेल, हम ऐसा मान लेते हैं कि सेल जो है कितनी है 100, ऐसे करते थे ना हम लोग जैसे 9वीं 10वीं मैथ में हमने किए, मान लो भाई सेल 100 है, अगर सेल 100 है तो प्रॉफिट कितना है 20, तो कॉस्ट कितनी होगी सी होगी, क्योंकि भाई 100 में से 20 माइनस करेंगे 80 कॉस्ट हो जाएगी। सिंपल फंड है, यहाँ पे लिखते हैं इफ प्रॉफिट 20 देन कॉस्ट, सॉरी इफ कॉस्ट देन प्रॉफिट कितना भाई 20, ऐसे ही है इफ कॉस्ट 1 देन प्रॉफिट विल बी 20/80, इफ कॉस्ट 10,000, हमें बताया गया कि अगर कॉस्ट 10,000 है तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा 20/80 25/ 10,000 को 4 से काटेंगे तो समझ गया, तो हमारा प्रॉफिट का लेवल निकल के आ गया 2,500। अगर चेक करना हो ये सही है या नहीं है, फॉर्मूला पता लग गया, जितने परसेंट आपको बोलेंगे आप उतने परसेंट लगा, मान लो आपको बोल दिया 10% ऑन सेल तो प्रॉफिट 10 हो गया, कॉस्ट कितने की रह जाएगी 90, जितनी कॉस्ट हमारी निकल के आएगी बात ऐसे कर लेंगे 10/90। अगर बोला जाए 25% प्रॉफिट, 25 कॉस्ट 75, यहाँ जाता 25/75 मल्टीप्लाई बाय जितना आपका कॉस्ट होना जो आपका कॉस्ट शीट में कॉस्ट मिला होगा, कर सकते हैं इजीली बेस पे। अगर देखा जाए इसको हटा दूं, हमने प्रॉफिट निकाल लिया 25.0 के, टोटल कॉस्ट हमने निकाली थी 10,000, प्रॉफिट हो गया 25,000, सेल कितने की होगी दोनों का टोटल करो
12,500। उन्होंने बोला था कि 20% कौन सी, ये सेल की वैल्यू है, इसका 20% निकालेगा कैसे निकलेगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 12,500 ऐसे ही करो डिवाइड बाय 25 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना वैल्यू आता है, 12,500 कर दीजिए है दशहरा आए सही है, हमने प्रॉफिट कितना निकाला था उस टाइम, हमें सेल की वैल्यू नहीं पता थी, उन्होंने बोला था कि सेल की वैल्यू के ऊपर 20%, हमने फॉर्मूला लगा के प्रॉफिट निकाल लिया 2,500। अब चेक कर रहे हैं कि सेल की वैल्यू अगर 12,500 है उसका 20% निकालेंगे तो 25 सही हो गया आंसर, निकाल सकते हैं ऐसे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है आपके पास पेज नंबर 32 के ऊपर, प्रिपेयर इन डोस्टिक फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा लेकिन टू मैन्युफैक्चर ऑफ जीन्स, कोई कंपनी जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका हमें कॉस्ट शीट रेडी करना है, कॉस्ट शीट में लास्ट में ये भी लिख दिया प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्सपेक्टेड टू सेल ऑफ जीन्स, मैं बोल देखिए 20% प्रॉफिट हमें लेना है सेल के, एक्सपेक्टेड ऑफ गुड्स एक्सपेक्टेड ऑन सेल ऑफ जीन्स, सिंपल की वर्डिंग चलते हैं कि सेल के ऊपर 20% हमें प्रॉफिट लेना है, सेल की वैल्यू इसमें नहीं दी गई। तो अभी ये कोर्स शीट बनानी है तो पहले तो हमें कोर्स शीट एक प्रोफॉर्मा की बेस पे बनाना है, कोर्स शीट में जो जो चीजें जहां जहां पे जाएंगी वो वैसे वैसे डालेंगे, हमने हेडिंग पढ़े थे, सबसे पहले तो हम प्राइम कोर्स निकालते हैं, उसके लिए हमें डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की वैल्यू कितनी कितनी दी है, 20,08 है, यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे टोटल अमाउंट आपका ये यूनिट्स में किया हुआ, हम यूनिट्स वाला भी नहीं कर रहे हैं, यूनिट्स में तो अगर बोला जाता तो यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, वो 1,000 से डिवाइड करके हम यूनिट्स बनाइए, हम यूनिट्स में नहीं कर रहे, टोटल अमाउंट ही है। और इसमें क्या आ सकता है, मैंने बोला था अगर प्राइम कॉस्ट निकालनी है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट वेजेस या फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आता है, इसमें हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया तो हमारे पास सीधा इसके बाद हमने कोस्ट निकालनी होती है फैक्ट्री कोस्ट, हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑल फैक्ट्री ओवरहेड्स, जितने भी फैक्ट्री के खर्चे होंगे हम देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे क्या क्या दिए, इनडायरेक्ट लेबर सुपरवाइजरी कोस्ट फैक्ट्री प्रेमिसेस रेंट फैक्ट्री लाइटिंग ऑयल एंड मशीन डेप्रिसिएशन, यहाँ तक जो खर्चे हैं सारे फैक्ट्री में जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला कि इनडायरेक्ट लेबर ये कितने दिए भाई 2,500, उसके बाद फैक्ट्री रेंट दिया ना, फैक्ट्री रेंट दिया हमारे पास 1,600, सुपरविजन कॉस्ट भी बोलिए ना 1,000, उसके बाद फैक्ट्री लाइटिंग बोला 600 लिख खर्चे, उसके बाद बोला हमने उन्होंने ऑयल फॉर मशीन ये कितना बोला 100 रुपए, ऑयल मशीन जो है 100, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 4, फैक्ट्री रेंट ये तो हमने पहले लिख लिया, बस लास्ट में यही है क्योंकि तो ऑफिस के लिए उन्होंने नहीं बोला, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं बोला चेंज करके, ये सारे खर्चे जो हमारे पास टोटल यहाँ पे हमारे पास लिख आ जाएगी फैक्ट्री, ठीक
तीन सब का टोटल लेते हैं, 2516 हो गया आपका, 40, 51, 57, 58, 63, इनका टोटल जो जो खर्चे हमारे पास बोले गए हैं भाई यही बन रहा है ना, 6300 ही है। सही है भाई, टोटल चेक कर लें, टोटल चेंज को देख सकते हैं 6300 आपके पास सेव हो गया। आप क्या करेंगे 2800 को टोटल कर लेंगे, इसका टोटल करिएगा 28,000 और 6,000, 34, 34,000। मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट जो निकल के आ गई वो 34,300। इसके बाद हमने जो कॉस्ट निकालनी है वो निकलेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बोल सकते हैं। अगला मेरे पास सेटिंग आएगा ऑल ऑफिस एक्सपेंस, जितने भी ऑफिस के खर्चे हैं कौन कौन से बताए हैं, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस सैलरी, मिशलिनियस एक्सपेंस। आप देखोगे मिशलिनियस ये तीन खर्चे हैं हमारे ऑफिस के, क्या क्या वैल्यू आ रही है, 8,000, 2,000, 1,000। यहाँ पे मेरे पास आ गया हेड कोस्ट ऑफ प्लस 11, 34,000 में ऐड करेंगे 45,000। ठीक है भाई, कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्लियर हो गया। कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद लास्ट में हमारे पास निकलती है कोस्ट ऑफ सेल, यहाँ तक का आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल सेलिंग एक्सपेंसेस, जितने भी सेल के खर्चे क्या क्या दिए होंगे हमारे पास, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐसे ही मतलब सेलिंग ओवरहेड 6,000 और तो कोई नहीं खर्चा बताया नहीं। यहाँ पे मेरे पास लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, सेल करने के ऊपर जो भी हम सेल कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कटिंग हमने जो बनाई लास्ट में 4,500, 6,000 ही रहेगा, 45,000 कितना हो गया 51,000। कॉस्ट ऑफ सेल निकल गई, उन्होंने बोला कि 20% ऑफ टॉप सेल आप लिख के 20% प्रॉफिट, और वही यहाँ पे प्रॉफिट का कॉलम बनाना है, नीचे सेल की वैल्यू बताना, सेल की वैल्यू नहीं बताई गई। हम यहाँ पे करेंगे अपना क्वेश्चन को, तो लेट सेल 100, ठीक है जी, प्रॉफिट क्या बताया, 20, कॉस्ट क्या बन जाएगी 80, ठीक होगी ना। तो ये आप लिखते हैं इफ कॉस्ट 80 देन प्रॉफिट कितना, 40। अगर कॉस्ट 1 है देन प्रॉफिट कितना होगा, 20/80। अगर कॉस्ट 51,300 है देन प्रॉफिट 20/80 मल्टीप्लाई 51,000 कर लेंगे, 55,300 को 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है, 12,800। हमें प्रॉफिट की वैल्यू पता लग गई 12,825, टोटल कर लूंगा प्लस कितना है भी 51,000, टोटल आ गया 64,000। क्लियर हो गया, वेरिफिकेशन ये फॉर्मूला क्लियर हो गया ना। अगर 10% बोलते 10/90 कर लेते, अगर 30% बोलते 30/70 कर लेते, 40% बोलते 40/60 कर लेते, बाकी जो मोस्ट आई थे यहाँ मिला रखते। वेरिफिकेशन के लिए कि आपने जो क्वेश्चन सही किया है
जो आपकी प्रॉफिट की वैल्यू आई है वो सही है, कितनी है? 25 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 20% फॉर सेल। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट 20% सही है या नहीं है, वैल्यू बनाई है, मतलब कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल सही सॉल्व किया, उसमें कहीं भी हमारा कोई डाउट नहीं है, कोई अगर डाउट लगे तो हम कुछ नहीं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं मटेरियल कॉस्टिंग। सबसे पहले आपके पास आ रहा है मटेरियल। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब भी आपकी कंपनी प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, जब उसमें कॉस्ट की बात करेंगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है मटेरियल। मटेरियल जो है कंपनी में हम बोल सकते हैं ऑल कॉमोडिटीज कंपोनेंट्स व्हिच यूज इन कॉस्ट प्रोडक्शन, या फिर रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं। ये सब कुछ जो है जो भी कॉम्पोनेंट या फिर कॉमोडिटी आप यूज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको मटेरियल भी बोल। मटेरियल आपका दो प्रकार का हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ जो जिस चीज का प्रोडक्शन जाने उसको बनाने के लिए जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है। मैं वैसे बोलूँ फर्नीचर बनाना, फर्नीचर के लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या हो, वुडन जो लकड़ी है वो चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जब आप गुड्स बना लेते हैं संभाल के रखने के लिए, बनाने के लिए जो कोस्ट लगती है उसको क्या होता है, मटेरियल कोस्ट। मान लो कोई प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ उसको संभाल के रखता हूँ, बेचने का जो भी मेरी कोस्ट लगती है उसको मटेरियल कोस्ट। फिर आता है हमारे पास परचेज ऑफ मटेरियल। ऐसा नहीं होता कि कंपनी परचेजिंग हम लोग कोई भी पर्सन कर लेंगे, परचेजिंग एक आर्ट चला। लॉन्ग मटेरियल अगर आप परचेज करोगे तो कंपनी का क्या होगा, पैसे का फ्लो कैसे पता चलेगा? सिंपल सी बात है, मेरी कंपनी में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है अगर मैं उस चीज़ को खरीदूंगा तभी वो चीज़ सही तरीके से परचेजिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। और हमेशा परचेजिंग इन्होंने बोली भी है, अगर आप पाल के चलो परचेजिंग करने के मेथड कौन कौन से, वो मेथड बोल सकते वैसे तो मेन मेथड होता है सेंट्रलाइज कर सकते। सेंट्रलाइज परचेजिंग होता है कंपनी का एक मैनेजमेंट या फिर स्टाफ मेंबर्स जो डिसाइड करेंगे कि हमें कंपनी में पैसे पर कैसे पर कौन कौन से सामान कैसे परचेज। इसके लिए हमें कोई चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। एक तो कंपनी के पास क्या नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन सा सामान हमारे पास पड़ा है। अगर उसकी नॉलेज नहीं हो, आपने इन्वेंट्री नहीं ली होगी तो आप कभी भी परचेज प्रॉपर नहीं कर सकते। अगर आपने प्रॉपर इन्वेंट्री की हुई है कि कौन सा चीज़ें हैं तो पड़ी हुई तो आप परचेज कुछ भी कर सकते। परचेजिंग की प्राइस जो है उसको रिड्यूस कर सकते। अगर मान लो कोई आपने कोई रिपोर्ट ही बनाई, पता ही नहीं आपको इन्वेंट्री नहीं होगी तो आपकी कॉस्ट तो बढ़ेगी। मैं सब बोल सकता हूँ आपके पास सामान पहले से ही पड़े तो अपने के पास कैटेगरी कौन क्या होती है, तीन कैटेगरी ये होती है ए बी सी। उसके अलग अलग मेथड हमने भी पढ़े हुए हैं, ये कैटेगरी कुछ कौन सी होती है जिनमें कंपनी का पैसा सबसे ज्यादा लगता है, नियर अबाउट 70% पैसा लग जाता है और वो क्वांटिटी हमेशा कम होती है। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ क्वान्टिटी ये हमारे पास क्या होती है कौन कौन से सामान होते हैं कैटेगरी में, गुड्स वो होती है जिनमें सबसे ज्यादा कंपनियां कॉस्ट लगता है। मीन जैसे कंपनी के मशीन के इक्विपमेंट्स, मान लो कंपनी कंप्यूटर रिलेटेड सामान बेच रही है, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स महंगे आते हैं सस्ते में। जब कंपनी कोई मशीन चला रही है मशीन के पार्ट्स जो है महंगे आते हैं, कंपनी बार बार उन चीज़ों को नहीं खरीद। बी कैटेगरी रॉ मटेरियल होता है कंपनी का जिससे कंपनी की प्रोडक्शन चलती है।
पैसा भी इतना लगता है और प्रोडक्शन सामान भी इतना ही होता है। सी कैटेगरी कंपनी को 10 रुपये लगते हैं लेकिन सामान बल्क में आता है, जैसे कि सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। अगर कंपनी इनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखेगी तो उनकी मटेरियल कॉस्ट कम लगेगी, परचेजिंग जो है बिल्कुल सेटअप होगी। अगर कंपनी इनका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखती, बार बार इस चीज को मंगा लेती, कंपनी का पैसा क्या होगा, लोग को कैसे जाएंगे, लोग कैसे में कन्वर्ट होगा, सामान कम मंगाए। रिक्वायर्ड जब चीज की रिक्वायरमेंट है तब इसको मंगाए। ये रेगुलर परचेज होगा, बी कैटेगरी रेगुलर परचेज होगा। कंपनी में रिकॉर्ड बना हुआ, कंपनी को लगता है कि ये सामान में लगातार चाहिए चाहिए, इसके बिना कंपनी का प्रोडक्शन नहीं होगा, कंपनी सामान को लगातार मंगाते मंगाते चलता है। सी कैटेगरी का जो सामान होता है वो लगातार ऑटो मोड पे ही है। जब कंपनी को सामान खरीदने, मान लो आपकी कंपनी में सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, आपको फिंगर टिप्स मास्क जो कुछ भी है, आप जब भी अपने सीट से उठ के जाएंगे इनको चेंज करते रहेंगे बार बार, लगातार एक से काम तो नहीं चलता। फिंगर टिप्स आपने सुबह डाल ली, शाम तक उन्हीं को रखी होगी, ऐसा नहीं है। फिंगर टिप्स आप लगातार चेंज करते चले जाते हैं बार बार, कंपनी में ऐसा होता है कि उसको बार बार मंगा कहीं उठे चले गए, थोड़ा नहीं पहन दिए, अगर कमी आने लगी तब उतार दिए, फिर दोबारा नहीं डाल दिए, तो ये कंपनी की कॉस्ट होती है। कंपनी का पैसा कम लगता है लेकिन बार बार मास्क मिल गया, आप लगातार सारा दिन एक ही मास्क लगा के बैठे रहेंगे, कंपनी में ऐसा नहीं है, बार बार उतार के पहन देंगे, नहीं आपको लगा देंगे जैसे डॉक्टर मास्क होते हैं वैसे। तो ये परचेसिंग जो है सेंट्रलाइज हो सकती है अगर कंपनी इस तरह से प्रॉपर रिकॉर्ड बनाए। अलग अलग मेथड है, एपीसी हमने शायद लास्ट वाली क्लास में आपने किया हुआ है, हमने उसको कोर्स में किया था, खरीदना है सामान पर चीज आपसे खरीदने से। फिर उसके बाद हम बोला कि डिसेंट्रलाइजेशन परचेज, अगर कंपनी में इस चीज का रिकॉर्ड नहीं होता तो परचेज किस तरह से होती है, डिसेंट्रलाइज। हर बार कुछ भी मंगाते चले जाओ, बार बार अगर ऐसे सामान मंगाते चले जाओगे तो कंपनी का ऑर्डर जो है ऑलवेज पैसा जो लॉस में जाना स्टार्ट हो जाएगा, कंपनी लॉस में जाना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आता है परचेज का प्रोसीजर, अगर कंपनी में सामान खरीदना है किस तरह से परचेज की जाएगी। सबसे पहले तो आइडेंटिफाइंग द मटेरियल, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सामान मैं मंगाना है, मेरे पास जो सामान पड़े मैं क्यों मंगाऊंगा, आइडेंटिफाई कर लूंगा जिसकी रिक्वायरमेंट है, बी की रिक्वायरमेंट अभी मंगाऊंगा, सी की रिक्वायरमेंट सी मंगाऊंगा, अगर ए की जरूरत है तो ये मंगाऊंगा, अदरवाइज ए को नहीं। दूसरा इशूंगे टेंडर एंड रिसीविंग कोटेशन, ऐसा नहीं होता किसी से भी मंगाओ, जिन जिन कंपनियों के साथ आपकी लिंक है जिनसे आपको ये सामान मिल सकते हैं उनको टेंडर इशू किया जाए, उनसे कोटेशन मंगाएगा, कंपनीज को बोला जाता है कि हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है क्या आप हमें दे सकते हैं, कोटेशन तो उसकी कोटेशन बना के भेजिए, बाई ई मेल कोटेशन बना के भेज देती है कि हम आपको ये सामान इतनी क्वान्टिटी में इतने टाइम में इतने पैसे में दे दें, तो कोटेशन कंपनी चेक करती है, उसके बाद कंपनी ऑर्डर प्लेस करती है। जिस भी कंपनी से कंपनी को लगता है कि बेनिफिट हो रहा है सामान खरीदने, कम कॉस्ट में कम टाइम में मिल रहा है, कंपनी वहाँ पर ऑर्डर लगा देती है। इंस्पेक्टिंग द स्टोर, फिर जब कंपनी के पास सामान आ जाता है तो कंपनी स्टोर में चेक भी करती है कि एक्चुअल में ये सामान पहुंच गया स्टोर के पास क्या नहीं, ऐसा तो नहीं कि कहते लगे सामान पहुंचा नहीं, मेरा हमारे पास पहले आ इसको देखना जरूरी है। उसके बाद रिसीविंग फ्रॉम द स्टोर एक्सेप्ट, स्टोर भी जब सामान को एक्सेप्ट कर लेता है तो अपनी तरफ से एक रिसीविंग फीस, हमने ये सामान अपने पास रिसीव कर लिया है तो आप अपने बिल पे चढ़ा सकते। लास्ट में चेकिंग एंड पासिंग द बिल पे, जब आपके पास बिल पहुंच गया स्टोर वालों ने भी बोल दिया कि आपके पास सामान पहुंच चुका है, उसके बाद आप बिल की पेमेंट करते हैं इसको, बस जब तक स्टोर डिपार्टमेंट वेरीफाई नहीं करता मेरे पास सामान पहुंचा नहीं है, जो जो भी ऑर्डर आपने लगाए थे वो ऑर्डर अगर आ गए तो बिल की पेमेंट हो जाए। ये था आपका परचेजिंग का प्रोसेस। फिर आते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल या फिर मटेरियल कंट्रोल, यही पॉइंट आ गया दोबारा कि कंपनी में अगर हम लोग ऑर्डर लगाने जा रहे हैं इन्वेंट्री कंट्रोल होना जरूरी, इन्वेंट्री कंट्रोल होना जरूरी है, कंपनी का जो सामान है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना जरूरी है, अगर वो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है तो कंपनी लॉस में जाए। रिकॉर्ड होना कैसे, अलग अलग मेथड कर सकते हैं, एबीसी मेथड मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा मेथड आ सकता है वीडी, वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल, वाइटल वही ए कैटेगरी वाली गुड्स सबसे ज्यादा, इसेंशियल जिनके बिना बिजनेस कम चल नहीं सकता, रॉ मटेरियल, डी का मतलब डिजायरेबल, बंदों की इच्छा पहनो चाहे ना पहनो सेफ्टी इक्विपमेंट्स, इस तरह से रिकॉर्ड बना सकते हैं। फास्ट फूडिंग,
मूविंग नॉन मूविंग फास्ट मूविंग में कैटेगरी कौन सी आती है? सी कैटेगरी, सिंगल डिजिट मास नहीं है, फटाफट कंपनी में जाते हैं, क्राउड खत्म होते हैं। स्लो मूविंग जो रॉ मटेरियल है, ना रिक्वायरमेंट उतना लगेगा प्रोडक्शन के लिए। नॉन मूविंग कंपनी की ये कैटेगरी देखो, कंपनी ने आज मंगा ली, लगातार नहीं मंगवा रही है, जब फिर होगी तब खत्म होगा, फिर दोबारा मंगाया जाएगा। इस तरह से कंपनी काम कर सकती है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। उसके बाद वेरियस स्टॉक लेवल, कंपनी डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक लेवल भी बनाती है, प्री ऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल। प्री ऑर्डर लेवल होता है कि हर बार इतना ऑर्डर लगाने लगाने, मिनिमम ऑर्डर लेवल होता है कि कम से कम इतनी इतने यूनिट्स बनाने में, मैक्सिमम होता है कि इतने यूनिट्स हर बार मंगाओ, एवरेज होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम का आता, तो वो लेवल भी क्रिएट कर सकती है। इसके बाद जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है, कंपनी इतने क्वांटिटी बना लेती है कि हर बार इतने पीस का सामान उधर लगाओ, और ये सामान हर बार हमारे पास आना चाहिए, इस तरह से कंपनी काम कर सकती है। अदरवाइज स्टॉक हो सको, जो जो सामान आ रहे हैं, जो जो जा रहे हैं, जो बच गए उसके बाद हिसाब रख लेंगे, कितना बचा उसके हिसाब से लगा। ये मेथड भी लास्ट शायद क्लास में किए थे। ये तो इन्वेंटरी कंपनी इस तरीके से कंट्रोल कर सकती है। इसको कंट्रोल करने के पीछे कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? एक छोटा सा कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो कभी भी इंटरप्ट ना हो, मीन्स कभी भी रुके नहीं, प्रॉपर सामान हमारे पास हो और वो टाइम पर बनाते चल जाए, कंपनी के साथ प्रोडक्शन नहीं हो। दूसरा, कंपनी में जो वेस्टेज है वो ना क्रिएट, अगर कंपनी रिकॉर्ड बनाएगी नहीं, पहले से पड़े हुए सामान को दोबारा से ना डालेगी, तो वेस्टेज होने के चांसेस ज्यादा। एक बार पहले से आया हुआ सामान पड़ा रह जाता, नया आ गया, नया लग जाता, वेस्टेज आएगी, कोशिश खत्म होने वाली है, ज्यादा होगा। हमेशा कहता इंश्योर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ मटेरियल, जिस प्रकार की क्वांटिटी हमें चाहिए मटेरियल की वो ही मंगाएं, एक्स्ट्रा ना मंगाएं, वीडियो भी करना वो भी करना। फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर सेटअप हो सके, इसके लिए भी काम किया जाए। लास्ट में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकते, इसके लिए भी कंपनी का, अगर मान लो कंपनी रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं बना रही तो कंपनी की कोशिश बढ़ेगी बढ़ेगी। कंपनी में कहता है मटेरियल कोस्ट की, सॉरी मटेरियल कंट्रोल की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है, ताकि कंपनी की तो वेस्टेज कम हो, कंपनी वेस्टेज कम होगी, कंपनी का जो कॉस्ट है वो कम हो, क्वालिटी प्रॉपर बनी रहे, स्क्रैप कम हो, टाइम पर सामान कभी भी शॉर्टेज में ना हो, लगातार प्रोडक्शन चलता रहे, कभी भी प्रोडक्शन में रुकावट ना आए, इसके लिए कंपनी मटेरियल कंट्रोल कर सकती है। मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है वो भी उसकी नीड में भी आ सकते। एडवांटेज क्या होंगे? कंपनी ने कहा था ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जब स्टॉक ज्यादा हो गया तब भी आपको पता लग जाएगा, जब स्टॉक कम हो गया तब भी आपको पता लग जाएगा, मटेरियल का प्रोसीजर मैटर भी आपको पता लग जाएगा, कितने टाइम में हमारा मटेरियल जो है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, उस हिसाब से आप ऑर्डर लगा सकते हैं। आपको कहता है इकोनॉमी परचेजिंग करनी है तो मटेरियल इन्वेंटरी होना जरूरी, आज मार्केट की कीमत ज्यादा है, अगर हमारे पास रिकॉर्ड है कि अभी हमारे पास स्टोर में सामान पड़ा है तो हम नहीं लगाएंगे ऑर्डर, अगर हमें पता ही नहीं है कुछ भी कितना है, तो जब मार्केट में कीमत ज्यादा होगी तब भी ऑर्डर लगाएंगे, कम होगी तब भी लगाएंगे, तो हमें दो में ज्यादा हो सकती है। हमें कितनी प्रॉपर क्वान्टिटी चाहिए उसके हिसाब से आप उस मटेरियल कंट्रोल से लगा सकते हो, वेस्टेज और लूसेज कम कर सकते हो, कंपनी को प्रॉपर रिपोर्ट बना सकते हो, ये मटेरियल कंट्रोल से हो सकता है। मटेरियल कंट्रोल में कहता प्रिंसिपल क्या है? जब भी कहता मटेरियल कंट्रोल करना है तो सेंट्रलाइज परचेजिंग होनी चाहिए, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट कंपनी ऑर्डर लगाए प्रॉपर रिकॉर्ड कर सकते, कंपनी में एक स्टैंडर्ड बना रहेगा, कंपनी की वेस्टेज कम हो जाएगी, लॉस कम हो जाएगी, कंपनी प्रॉफिट कमाना ज्यादा स्टार्ट कर देगी, कंपनी का पैसा फ्लो करो मीन्स लिक्विड एसेट में कन्वर्ट रहेगा, आलोस पैसा फ्लो के में कंप्लीट नहीं जाए। मटेरियल कॉस्टिंग की कहता इसेंशियल क्या है? दोबारा से फिर पॉइंट आउट, एक तो कहता प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन लेवल होना चाहिए, सभी डिपार्टमेंट सब अपनी जिम्मेवारी से काम करें, प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ट्रेन कंपनी की जिम्मेवारी हो कि वो रिकॉर्ड बनाए, जब सामान यूज हो गया उसकी इन्फॉर्मेशन किसको दे, मैनेजमेंट को, जो जो चीजें यूज हो चुकी है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट देते चले जाए, ताकि दोबारा से उसको ऑर्डर लगा, अगर उस
कंपनी में दोस्त दिए तो पता चल जाएगा। कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमेशा बने होने चाहिए। स्टोरेज भी ऑलवेज क्लियर होनी चाहिए। जो आप आपके पास सामान आ रहे हैं उसको कहाँ पे स्टोर करके रखें, आपको उसके ऊपर स्टोरेज लेवल नहीं है तो कंपनी में लोड हो सकता है, सामान बन जाएगा आपके वो संभालने की आवश्यकता है नहीं। या फिर टाइमली सेल होना चाहिए, जैसे सामान आए टाइम पर बने और टाइम पर सेल हो जाए। तो अगर टाइम पर सेल नहीं हो रही तो लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लॉस को कम करना, वेस्टेज को कम करना ये कंपनी में जरूरी। फिर हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के ऑप्शन मटेरियल आप कंपनी मंगाती है तो डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट है। सबसे पहले कॉस्ट लगती है इन्वेंट्री। मान लो आपने मटेरियल मंगा लिया तो इन्वेंट्री के साथ कितने कह सकते हैं, हमने कुछ लिखे हैं पीछे, कुछ हमने वैसे पहले डिसाइड कर लिया एफ एस एन बी डी ये सारे मेथड ए बी सी। तो ये मेथड डालने में कंपनी को कॉस्ट लगेगी क्योंकि अलग से बंदे बिल डालने पड़ेंगे, अलग से बंदे इन्वेंट्री ऐसा तो नहीं होता है कंपनी में जो परसों काम कर रहे हैं स्पेशल डे पे बुलाने, उनको छुट्टी के दिन वाले बुलाते हैं उनके उस दिन के अलग से पैसे देने पड़ते हैं इन्वेंट्री को। फिर कंपनी को ऑर्डरिंग कॉस्ट, बार बार ऑर्डर लगाएंगे उसकी कॉस्ट मिलेगी। स्टोरिंग कॉस्ट, जो सामान आपके पास आ गया संभाल के रखना है उसको संभालने के लिए कुछ पर्सन चाहिए, संभालने के लिए लोग जो आपके पास ओवरहेड होते हैं जैसे मैंने बोला अलमीरा शेल्फ, ये भी कॉस्ट सब कंपनी में पड़ती है तो ये खर्चे भी कंपनी में पड़ जाते हैं। उसके बाद पैकिंग कॉस्ट, जो सामान कंपनी के पास आएगा संभाल के रखना है पैकिंग करके उसकी कॉस्ट कंपनी में पड़ेगी। या फिर इसके अलावा कंपनी में अलग से भी कॉस्ट लग जाती है, जैसे मैं बोलूँ की वेयर हाउस कॉस्ट होगी, कोल्ड स्टोरेज कॉस्ट होगी, सारी कॉस्ट कंपनी में मटेरियल में पड़ती है। कंपनी में इनके ऊपर काम करना पड़ता है और कंपनी कहता है इसको इधर ही बेच पे सेटअप कर सकते। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्लासिफिकेशन कहते हैं मटेरियल की कैसे करते हैं, दो प्रकार से मटेरियल फॉर्म को क्लासिफिकेशन दो प्रकार से सारे मटेरियल को अलग अलग नहीं दो प्रकार से रखते हैं। क्लासिफिकेशन दो प्रकार से होगी, डायरेक्ट जो प्रोडक्शन में सीधे तौर पर लगा है, इनडायरेक्ट कौन सा होगा जो प्रोडक्शन में सीधे तौर पे नहीं लगे। फिर हमारे पास आ रही है मटेरियल की कोडिफिकेशन, हाँ सॉरी क्लासिफिकेशन का अलग अलग तरीके से कर सकते हैं नेचर के हिसाब से। नेचर के हिसाब से क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैनुफैक्चरिंग के हिसाब से प्री रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट। प्री रिक्वेस्ट क्या होगी, मान ली प्रोडक्शन से पहले जो मटेरियल आपको चाहिए, जब प्रोडक्शन हो रही है उस टाइम पे क्या क्या मटेरियल चाहिए, उस टाइम पे होता है कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स वो मटेरियल लीजिए चाहिए। बेसिस ऑफ द वैल्यू, वैल्यू के हिसाब से कैटेगरी तीन रख सकते हैं, कैटेगरी ए बी सी। मैंने किया था ना ए बी सी में, ए में सबसे ज्यादा कैटेगरी अमाउंट वाला है, तो बी में जो सेम अमाउंट होती है, सी में कम अमाउंट सॉरी क्वान्टिटी ज्यादा कम अमाउंट वाला स्टॉक ऐसा भी चल जाता है। मूवमेंट ऑफ स्टॉक, फास्ट मूविंग स्लो मूविंग नॉन मूविंग, ये हमने पहले ही कर लिया। इसको गवर्नमेंट स्टॉक भी बोलते हैं, नॉर्मल जो नॉन मूविंग होता है इसको गवर्नमेंट भी बोलते हैं। एक बार वैसा आदमी से मूव नहीं करते जब तक मशीन खराब नहीं होगी तब तक वो लगना ही, जैसे स्टॉक को क्या बोलते हैं गवर्नमेंट स्टॉक। इसके एडवांटेज क्या होंगे, एडवांटेज क्या होंगे, एक रिकॉर्ड प्रॉपर बना सकते हैं, वेस्टेज कम कर सकते हैं, कंपनी का टाइम कर सकते हैं, कम टाइम पर जब चीज की रिक्वायरमेंट है तब ऑर्डर लगा सकते हैं। फिर आते हैं कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन का मेन मतलब है कि आपका जैसा जैसा रिक्वायरमेंट है, कोडिफिकेशन को सिंपल ऐसा नहीं था कि एक बार जो होगा कि वैसे ही कोडिफिकेशन कोडिफाई हर एक डिपार्टमेंट या फिर सबसे कोडिफिकेशन मतलब स्टॉक को कोड लगाने का मतलब होगा। मेंटेनेंस वाले अलग से कोड लगाएंगे, प्रोडक्शन वाले अलग से लगाएंगे, कोडिफिकेशन इस तरह से हो सकती है ए बी सी डी अलग अलग डिपार्टमेंट वाले अलग अलग हो सकते हैं ए बी बी ए वो रिक्वायरमेंट मैटर है जो जो डिपार्टमेंट जिस हिसाब से जो अपने स्टॉक को रखना चाहते हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं। वो कोडिफिकेशन की जाती है किस लिए की जाती है, अवॉइड डुप्लीकेशन, ताकि जो सामान हमारे पास पड़ा है डुप्लीकेट ना करते हैं बार बार, वो चीज डुप्लीकेशन करने के लिए सिक्रेसी लेवल मेंटेन करने के लिए हर एक बंदे को उस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, इसके लिए प्रॉपर परचेजिंग करने के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रॉपर पोस्ट देखने के लिए इंस्पेक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें हमारे पास पड़ी है, इसके लिए कोडिफिकेशन की जाती है। अदरवाइज कोडिफिकेशन करने का पीछे कोई मकसद नहीं होता। कोडिफिकेशन जो होगी तीन चार तरीके से कर सकते हैं, तो होगी अल्फाबेट से होगा, ये अल्फाबेटिकल होगी, दूसरी अल्फाबेटिकल से कर सकते हैं।
मेडिकल का मतलब क्या हो गया ऐसे बोल रहे हैं? ये सारी तो मेरे क्या ऑप्शन थे? अमेरिकन तीसरी हम कर सकते हैं। ये हमारी डेसिमल कोडिंग होती है। इसके अलावा इस्तेमाल कर सकते हैं कंबाइन। कंबाइन कैसे कैसे कर सकते हैं? ये कंबाइंड होगी इसमें अल्फा प्लस में रहेगा, मेरिक भी साथ में दे रहे हो, अल्फा भी साथ में दे रहे हो, सिर्फ मटेरियल को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोड दे रहे हो। कोई स्पेशलिस्ट का कोड नहीं होता, रूल नहीं होता कि आप इस स्पेशल रूल में काम करने वाले हो। डिपेंड करते हैं आपको कैसे काम करवाए। ये आपका मटेरियल कंट्रोल का सिस्टम जिसमें मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई माइंड ऐसा हो उसके।